वही राजस्थान में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों की ओर से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वही बीकानेर में यूथ कांग्रेस की ओर से अनूठे तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल यहां ऊंट गाड़ी की रैली निकालकर विरोध किया गया और उसके बाद शार्दुल सिंह सर्किल पर कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संवाददाता के सिंह ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन का लिया जायजा। बीकानेर में पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है यूथ कांग्रेस के बीकानेर के लोगों के द्वारा। देख सकते हैं आज एक बाइक को भी जलाया गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो इस तरह से बाइक जलाने का काम यहां पर देखने में आ रहा है। मतलब जी क्या कहेंगे आप? देखिए जिस तरीके से मोदी सरकार की लगातार पेट्रोल डीजल और जी घरेलू गैस है जो उनको लगातार बढ़ाया जा रहा है और आम जनता पर आम पब्लिक पर है जो इसका लगातार है जो वजन बढ़ता जा रहा है, मोदी सरकार ये कहीं भी समझने को तैयार नहीं है कि आने वाला जो वक्त है वो पेट्रोल के ऊपर ही है। जब तक पेट्रोल कम नहीं करेंगे तो हर चीज पर, चाहे वो खाने की चीज़ है पीने की चीज़ है, उसके प्रभाव जिसका लगातार पड़ता जा रहा है और हर चीज महंगी होती जा रही है। तो ये जो भी क्या मानते हैं इस तरह के प्रदर्शनों से कोई फर्क पड़ने की उम्मीद? बिल्कुल हमें तो ऐसा लगता है कि गांधी तरीके से सिद्धांतवाद तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं चीज को मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बराबर देख सकते हैं किस तरह से जो बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए व्यवस्था किस बताओ जिस तरह केंद्र में बीजेपी की सरकार ने मई से जून तक अभी तक 23 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। युवा कांग्रेस पूरे देशव्यापी आंदोलन करेगा जिसका आगाज आज बीकानेर युवा कांग्रेस की द्वारा किया गया है। हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार आज बीकानेर युवा कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया है। हम आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या बाइक जला के क्या विरोध माने? ये तो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ हमने अपना गुस्सा व्यक्त किया है कि जो पेट्रोल डीजल खाने का तेल गैस सारे महंगे हो रखे हैं पर केंद्र सरकार में बैठा मोदी के कान पे जू नहीं रहेंगे। उसके समय कांग्रेस के समय इनको 2 पैसे भी पेट्रोल बढ़ जाते थे तो महंगाई ढाई लगती थी, आज उनकी भाभी जी लगती है। इसलिए हम इनको बताना चाहते हैं कि आपके राज्य में आम जनता गरीब परेशान है। तो देखिए बीकानेर में बड़ा प्रदर्शन जगह जगह देखा जा रहा है। आपका क्या मानना है, प्रदर्शन कर रहे हैं आप क्या कहेंगे? इस तरह से मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार स्लोगन के साथ सत्ता में आई आज वो इस बात को भूल गई कि पिछले संधि दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं उन्हीं के साथ जिस तरह से दिन और रात महंगाई बढ़ रही है निश्चित रूप से ये अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जनता इनको करारा जवाब देगी। देखिए लोगों का सीधे तौर पर जो कहना है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के साथ साथ आज ऊंट पर वाहनों को एक तरह से रैली भी की गई। के सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर।